हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका आज इस वीडियो में आज इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पे त्रैमािक परीक्षा का रियल पेपर यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा का जो कि अर्थशास्त्र पेपर है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन घंटे का पेपर दिया गया और आपका टोटल पेपर अस्सी मार्क्स का होने जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं सभी विकल्प हल करना अनिवार्य है यहाँ पे आपको पेपर दिया गया है जो कि रियल पेपर है आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं तो इसके हम क्वेश्चन आंसर सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है एक से पांच तक के आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको हर हर क्वेश्चन अनिवार्य रहेगा जो कि छह से पांच पंद्रह तक के क्वेश्चन रहेंगे और दो अंक के क्वेश्चन रहेंगे ये वाले और अठारह से उन्नीस तक के रहेंगे जो कि तीन अंक रहे के रहेंगे और से लेके जो कि बीस से तेईस तक के चार अंक के रहेंगे ठीक है इसके बाद हम बता देते हैं आपको यहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं पहला दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए आपको हम पहला पार्ट भी बताए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जो कि यहां पे देख सकते हैं पहला यहां पे दिया गया है यहाँ पे वशिष्ठ अर्थशास्त्र में सम्मिलित है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम पहले ही बता चुके हैं इसका जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया था यहाँ पे पेपर जो कि हमारे पास आया उसको कन्फर्म करने के लिए आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं यही आपको तैयार कर लेना है इसके क्वेश्चन हम आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिए पूरे आंसर तो वहाँ पर डाउनलोड कर दीजिए कर लीजिएगा यहाँ पर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन किन शाखाओं में अंतर्गत किया जाता है तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में कवर करके बताया था यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर आपको पूरा करेक्ट आंसर दिया गया बता ही चुके हैं यहाँ पे वेबसाइट अपलोड कर दिया डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए वहां पे भी दिया गया उत्पन्न यहाँ पे संभावना संभावना द्रव्य कितनी वस्तुओं के उत्पन्न उत्पादन का सहयोग हो बताता है तो इसको आपको एक दो या चार जितने भी रहेंगे इसका आंसर आपको बता देना है आप जो कि कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसका आंसर हम आपको पार्ट सेकंड में लेकर आ जाएंगे और वेबसाइट पर वैसे भी अपलोड कर दिया गया है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है ये भी हम आपको पहले बताया था यहाँ पर देख सकते हो उपयोगिता का भा, भाव संभव है तो इसका करेक्ट आंसर भी हम आपको बता ही चुके थे पहले यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड में जो कि रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं रिक्त स्थान यहाँ पर देख सकते हैं सात अंक आपसे पूछे जाएंगे देखिए सात अंक यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे पहला जो कि हो जाएगा वशिष्ठ अर्थशास्त्र का मुख्य मंत्र है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको फिल कर देना है फिर देख सकते हैं कुल राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय आय कुल कुल रोजगार का अध्ययन डैश डैश अर्थशास्त्र है फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वशिष्ठ अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है फिर डैश आपका यहाँ पे जो कि चौथा वाला हो जाएगा अर्थशास्त्र समूह समूह अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के लिए अनु अनुकूल अनुवाक्य है तो आपको ये क्वेश्चन पूरा लिख देना है देखिए बच्चों आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे आपको इंडिया पब्लिकेशन इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है ठीक है इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करके आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं साइट को नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना देख सकते हैं यहाँ पे त्रिमासिक परीक्षा दिया गया है तो ये आपको क्लास ट्वेल्थ के और क्लास सभी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड कर दिए गए तो यहाँ पे जैसे नहीं मिलता है तो आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और पी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हम आपको यहाँ पे आइकन भी दिया गया है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं साइट को फिलहाल हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पाँचवा भी दिया गया है छठा भी दिया गया है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था और डैश और डैश के मिलाकर बनती है फिर यहाँ पे सातवा दिया है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान डैश द्वारा होता है इसका आंसर हम आपको पार्ट सेकंड लेकर आएंगे उसमें पूरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सही जोड़ी बनाना है आपको यहाँ पे देख सकते हैं खाली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था और यहाँ पे देख सकते हैं कांत अर्थव्यवस्था यो, योजना आयोग यहाँ पे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था इसके पूरे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे पार्ट सेकंड में यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर आंसर लिख देना है यहाँ पे पूरे सामने यहाँ पे आपको मैचिंग नहीं करना है मैच नहीं करना है इस प्रकार से आपको सिर्फ सामने आंसर आंसर लिख देना है ठीक है इसके बाद यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर भी दिए गए है हैं पे क्वेश्चन आंसर सत्य सत्य असत्य असत्य ये आपके आपको वहाँ पे फिल करना रहेगा तो इसका भी आंसर आपको पार्ट सेकंड में लेकर आ जाएंगे फिर यहां पर एक वाक्य में प्रारंभ किए जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर तो ये आपको तैयार कर ले थोड़ा सा धुंधला जरूर दिख रहा होगा ये पेपर अभी अभी मेरे पास आया है तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको पार्ट सेकंड में लेकर आज जल्दी से जल्द लेके आने की कोशिश कर रहा हूं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेबसाइट पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो वहां आप जरूर विजिट कर लीजिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सो थैंक यू सो मच